Hourglass procedure is one of the most common procedure performed these days. काफ़ी सारे patients को एक 36, 24, 36 figure आजकल चाहिए होता है and they come to me asking for it. One of the most important questions that they ask is कि मेरा result कब तक last करेगा, कब तक मैं इसे maintain कर पाऊँगी या कब तक मैं इसको carry कर पाऊँगी. So इस video में मैं आपसे बात करने वाला हूँ regarding hourglass procedures maintenance in the long term. I am Dr. Arjun Handa, plastic surgeon and body contouring expert at Handa Aesthetics and Plastic. Hourglass procedure में दो components होते हैं. एक होता है liposuction and दूसरा fat grafting. Liposuction से हम different areas of the body से fat निकालते हैं, such as thighs, tummy, lower back, upper back, arms, and then we use this fat to sculpt the body. हम इसको different areas में डालते हैं ताकि एक ideal figure, एक ideal proportion अपने patients को दे पाए. तो ऑटोमेटिकली इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है लाइपोसक्शन का और एक फैट ग्राफ्टिंग का. इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बाकी वीडियोस देख सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ आवरग्लास प्रोसीजर रिजल्ट. इमीडिएट पोस्ट ऑप केयर जिसमें कंप्रेशन गारमेंट, लिम्फैटिक मसाजेस, डाइट एंड एक्सरसाइज, स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड बाकी सारे फैक्टर्स जो मैंने दूसरी वीडियो में डिस्कस करे हैं, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इस वीडियो में सिर्फ एंड ओनली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म कि सालों सालों तक आप इस रिजल्ट को कैसे मेंटेन करें. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेंटेनिंग द रिजल्ट इज पेशेंट सेलेक्शन फ्रॉम माय साइड. कोई पेशेंट मेरे पास आता है, बोलता है कि मुझे आवरग्लास प्रोसीजर कराना है एंड आई वॉन्ट टू मेंटेन इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मैं सबसे पहले समझता हूँ कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या एक्सरसाइज करते हैं एंड व्हाट देयर जॉब इज, व्हाट देयर प्रोफेशन डिमांड्स आउट ऑफ देम, एंड देन आई कैन एडिक्वेटली डिस्कस विद देम कि आपका रिजल्ट कितने टाइम तक रीजनेबली रहेगा. बिकॉज कितने टाइम तक रिजल्ट रहेगा फाइनली डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट देमसेल्व्स. आई हैव गॉट वेरी लेस टू डू विद इट. मैं सिर्फ उन्हें काउंसिल कर सकता हूँ, प्रोसीजर परफेक्टली कर सकता हूँ, लेकिन कितने टाइम तक वो उसे कैरी करेंगे वो उनके डिसिप्लिन और उनके हार्डवर्क पर है. सो यूजुअली जिनका प्रोफेशन अपने फिगर से रिलेटेड होता है, फॉर एग्जांपल हु आर स्टूवर्ड्स इन द एयरलाइंस या मॉडल्स हैं या एक्टर्स हैं, दीज पीपल आर यूजुअली हाईली मोटिवेटेड एंड इवन सम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, दीज पीपल आर यूजुअली हाईली मोटिवेटेड टू मेंटेन देयर रिजल्ट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एन एवरेज इंडिविजुअल जो ऑफिस गोइंग है, जो एक इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यूजुअली दे आर नॉट दैट मोटिवेटेड, दे डू नॉट हैव दैट मच एनर्जी कि वो लॉन्ग टाइम के लिए अपने रिजल्ट्स मेंटेन कर पाए. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कम इन टू प्ले इज योर डाइट एंड एक्सरसाइज रेजिमेन. इफ अ पर्सन एक्सरसाइज इज रेगुलरली, दे ईट वेल, दे नो वॉट टू ईट, वॉट नॉट टू ईट, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है एंड डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, सो ऑटोमेटिकली देयर रिजल्ट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सिर्फ लॉन्गर टाइम के लिए लास्ट नहीं करते, उन लोगों में रिजल्ट्स बेटर भी आते हैं बिकॉज इनकी बॉडी ज़्यादा रिसेप्टिव होती है टू दिस प्रोसीजर. उनकी हीलिंग फास्टर होती है, उनकी स्वेलिंग कम आती है, उनको पेन कम होता है एंड इवेंचुअली बॉडी रिकवर करके ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दिखाती है. फैट ग्राफ्टिंग के पर्सपेक्टिव से इफ़ यू हैव ऑलरेडी बीन एक्सरसाइजिंग एंड इफ यू हैव अ गुड डाइट, देन वो फैट ज़्यादा अच्छा आपकी बॉडी पकड़ लेती है और ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इज स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म. सो अगर कोई पेशेंट इज़ अ हैवी स्मोकर या थोड़ा बहुत भी स्मोक करते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं, अगेन उनके रिजल्ट्स विल बी पुअर एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल अगेन लूज द रिजल्ट. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिगार्डिंग योर स्लीप साइकिल. Now sleep has a great impact on the amount of stress hormones in the body. जो बॉडी में हमारे स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जब भी हम सोते नहीं हैं, गंदा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स ऑल्सो कॉज डिपोजिशन ऑफ फैट इन अनवॉन्टेड एरियाज ऑफ द बॉडी सच एज थाइज, टमी, आर्म्स में. तो लाइपोसक्शन करने के बावजूद ये रिजल्ट ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाते अगर आपकी लाइफ ज़्यादा स्ट्रेसफुल है. So meditation, yoga and again exercise and having a good amount of sleep cycle, that is not only sleeping regularly for a week but having a habit of going to sleep at the same time and waking up at the same time and having a healthy sleep cycle over a long period of time again aapko help karega is result ko kaafi time ke liye maintain karne mein. So again it comes down to the fact ki patient selection is very important.
अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं एक इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जो 2 साल बाद है, प्रोसीजर मुझे अभी करवाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मेंटेन्ड रहे फॉर 2 ईयर्स डाउन द लेन, देन आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी, तभी आपका रिजल्ट तब तक मेंटेन आप कर पाओगे। अगर वो ये चीज़ें नहीं कर सकते, अगर दे इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल और नॉट मेंटली पॉसिबल टू अचीव दीज प्री रिक्विजिट्स टू मेंटेन द रिजल्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, देन आई टेल देम टू गेट इट डन 6 मंथ्स बिफोर द इवेंट, सो दैट एटलीस्ट आपका 6 मंथ्स तक तो रिजल्ट रहेगा। That is why liposuction is not a weight loss procedure. Liposuction ऐसा कोई procedure नहीं है जो आपके metabolism को alter करता है, आपका weight कम करता है या आपकी body को healthy करता है। Liposuction सिर्फ आपको अच्छा दिखाने का procedure है और इस result को maintain करना solely patient की responsibility है। Thank you for watching this video. अगर आपको ये video अच्छी लगी तो please हमारे video को like करें, channel को subscribe करें, and if you have any doubts, please mention them in the comment section. Thank you.